गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट किडनी फंक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, यानी किडनी का मेन वर्क क्या होता है। किडनी का मेन काम होता है हमारा, क्या काम होता है? फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीअब्सॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीअब्सॉर्प्शन, यानी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर किडनी में देखेंगे क्या दिया हुआ है। रीनल वेन दी हुई है, रीनल आर्टरी दिया हुआ है, कैलेक्स दिया हुआ है, मेडुलरी पिरामिड दिया हुआ है, यहाँ पे शो किया गया है। ये आपका रीनल पेल्विस दिया हुआ है और ये यूरेटर दिया हुआ है। नीचे देखेंगे तो रीनल कैप्सूल शो किया गया है, ये कॉर्टेक्स यहाँ पे शो किया गया है और ये रीनल कॉलम्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे किडनी का मेन वर्क क्या होता है। जैसे यहाँ पे स्टिक से हम लोग इजिली लर्न कर पाएंगे, आ वेट वेट ए फॉर आपका क्या हो जाएगा, ए फॉर आपका हो जाएगा एसिड बेस बैलेंस। क्या करना होता है? एसिड बेस बैलेंस। फर्स्ट आप लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा बेटा, एसिड बेस बैलेंस, यानी एसिड बेस को क्या करना है, बैलेंस करना अपनी बॉडी में। दूसरी चीज बी फॉर हो जाएगा वाटर रिमूवल। हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है उसे हमें क्या करना है, वाटर रिमूव करना है। रिमूवल, जो एक्सेस वाटर है हमारी बॉडी में उसे हमें क्या करना होता है, रिमूव आउट करना है। ई फॉर आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोइसिस, मींस आर्थ्रोपोइसिस। आर्थ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा, आर्थ्रोपोइसिस यानी आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसे क्या करना, रिमूव करना। डी फॉर क्या हो जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव, यानी जो हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस होंगे उन्हें क्या करना है, रिमूव करना है। देन बी फॉर हो जाएगा आपका बेटा क्या हो जाएगा, बी फॉर आपका एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि बी से ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसे क्या करना है, मेंटेन करना है। ब्लड प्रेशर मेंटेन, यानी जो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, 120/80, तो हमें उसे क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। देन हम लोग कह सकते हैं ई, ई फॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक्सेस साल्ट होता है, ठीक है ना, हम लोग उसे या इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे क्या करना है, बैलेंस करना है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ई फॉर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अपनी बॉडी में हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उन्हें क्या करना है, बैलेंस करके रखना है। देन डी फॉर क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, यानी हम ये कह सकते हैं जो विटामिन डी है उसे हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो वैसे मेजोरिटी में हम बात करें कि जो हमारी किडनी होती है पर मिनट कितना फिल्टर कर सकती है ब्लड, तो हम कह सकते हैं 125 ml पर मिनट फिल्टर करेगी। और पर डे की बात करें तो हमारी किडनी कितना फिल्टर कर सकती है, 180 L फिल्टर कर सकती है। इसीलिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो हमारा यूरिन होता है, तो यूरिन यूरिन जो होता है मेन हमारी किडनी का मेन वर्क होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन करना, सिक्रीशन करना, रीअब्सॉर्प्शन करना, यानी हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हें क्या करना करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में क्या करती है, रिमूव आउट कर देती है। ये हमारे मेन किडनी का फंक्शन होता है। तो हम इस ट्रिक से इजी लर्न कर पाएंगे, आ वेट वेट, ए फॉर हो जाएगा एसिड बेस बैलेंस, देन डब्ल्यू फॉर क्या हो जाएगा, वाटर रिमूवल, जो एक्सेस वाटर है हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट से ज्यादा उसे रिमूव करना। देन ई फॉर आर्थ्रोपोइसिस, आरबीसी फॉर्मेशन। टी फॉर क्या हो जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव करेंगे अपनी बॉडी में। और बी फॉर क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। ई फॉर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, देन डी फॉर क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।